पर्चे देखते हुए बताइए कि आप जिस राज्य में रहती हैं, अब यहाँ चुनाव आने वाला है, आप इस राज्य से कितना संतुष्ट हैं आप लोग और कितना आप लोग इससे प्रभावित हैं? देखिए, मैं गाजीपुर के रहने वाली हूँ। मेरा उम्र कम से कम 45 वर्ष होने जा रहा है और आज तक जितना भी नेता मंत्री जो भी आए वो कुछ किए नहीं, ठीक है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। और रही बात जो उज्जवल अभी जो गैस दे रहे हैं, हम महिलाओं के प्रति यदि कार्य नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, तो सिलेंडर का घर में एक शो के लिए रखेंगे? तो मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो अपने चलाकी ढंग से कर रहे हैं। अभी जैसे राशन वितरण कर रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो उसमें जो है तेल तो इतना महंगा कर दिए हैं, और एक किलो जो तेल अभी दे रहे हैं, क्या महीने भर एक व्यक्ति के घर में 5 परिवार है, 7 परिवार है, क्या महीने भर चल सकता है? पहली बात। दूसरी बात, जो 5 किलो राशन एक व्यक्ति को दे रहे हैं, क्या एक व्यक्ति 5 किलो ही राशन खाता है महीने भर? क्या मोदी जी को इतना समझ नहीं आ रहा है कि हम अन्न कितना खाते हैं? दूसरी बात। तीसरी बात कि जो बच्चे पढ़े हैं उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, जो बच्चे अभी पढ़ना चाहते हैं उनकी भी जिंदगी ले चुके। तो सब मिला जुला के मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि उनके पास तो न तो बीबी है न बच्चे हैं, तो उनको दर्द कहाँ से होगी? अभी जो मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं उनके लिए कोरोना मरोना जो भी रुकावट लगा रहे हैं वो काम नहीं करेंगे तो उनके बच्चे गरीब लोग के कैसे खाएंगे? जो ठेला चला रहे हैं ठेले पे काम नहीं करेंगे, मार्केट में बंदी लगा चुके हैं, मार्केट में कोई नहीं निकलेगा तो उनके बच्चे कैसे खाएंगे? तो इनके तो बच्चे हैं नहीं, चाहे योगी हो मोदी हो, इन लोग को तो बच्चे बीवी है नहीं, तो उनको दर्द कहाँ से आएगा? तो हमारा कहने का मतलब यही है कि इस जो अभी जो है तत्काल में जो सरकार है इनको जल्द से जल्द बदलाव करना जरूरी है जी। इनके वजह से न तो महिलाएं सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है जी। ये आपका शिक्षा कितना स्तर तक गिरा है या बढ़ा है? बहुत गिरा है, बहुत गिरा है। इसलिए गिरा है कि जो बच्चे मेहनत करके पढ़े लिखे थे और इन्होंने जो किया कि नहीं अभी पेपर बोर्ड का पेपर ऑनलाइन होगा, तो जो बच्चे नहीं पढ़े थे उनके लिए तो ठीक हुआ, और जो बच्चे मेहनत लगा के पढ़े थे उनके लिए तो रोना हुआ, क्योंकि उनकी नंबर जो 75% आना चाहिए उनका नंबर आज 45% है, तो वो तो बेचारे रो रहे हैं। इनके लिए योगी का क्या कहना है, उनके बारे में सोच